इतनी अच्छी जानकारी जो कि किसी को नहीं पता या आपको बाहर ना तो किसी साइट पे मिलेगी, ना ही किसी किताबों में मिलेगी, ना ही किसी न्यूज़ में मिलेगी, जो जानकारी इन्होंने शेयर की। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं देश दुनिया देख। आज मैं पहुंचा हूं बंगला साहिब गुरुद्वारा के पास। जी हां, यह है बंगला साहिब गुरुद्वारा। मैं भी माथा टेकता हूं और वर्चुअली आपको भी गुरुद्वारे के दर्शन करवाता हूं। यह सिखों के आठवें गुरु श्री हरिकिशन जी से संबंधित है और उन्होंने अपने प्रवास के दौरान जब वो घूम रहे थे पूरे देश में तो वो यहाँ पे ठहरे थे। एक्चुअल में यह गुरुद्वारा बाद में बना, लेकिन पहले यह महल हुआ करता था। यह महाराजा जय सिंह का महल था जिसे बाद में गुरुद्वारे में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ऐसा कुछ इतिहास रहा है इस गुरुद्वारे का। और यह महल था तो जाहिर सी बात है यह महल जैसा ही खूबसूरत है। सबसे यूनिक चीज़ होती है सिख समाज में, वो होती है सेवा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और इस गुरुद्वारे में एक डिस्पेंसरी भी चलती है जहाँ पे लोगों का इलाज होता है। और यहाँ पे एक कथा प्रचलित है कि यह बात 1664 ईस्वी की है, जब औरंगजेब का शासन दिल्ली में था। तब राजा जय सिंह, जो कि यह महल हुआ करता था मिर्जा राजा जय सिंह का, उनके कहने पर सिखों के आठवें गुरु श्री हरिकिशन जी को बुलाया गया यहाँ पे। और उनकी परीक्षा लेने के लिए जो यहाँ की रानी थी वह दासी का भेष बना के बैठ गई, लेकिन महाराज ने, हरिकिशन जी ने, वो उनको पहचान गए और जाकर वो उनकी गोद में बैठ गए। तब उनकी उम्र 8 साल की थी। तो यह भी कथा, एक छोटी सी कथा यहाँ पे प्रचलित है। कहा जाता है कि उस समय दिल्ली में हैजा चेचक फैला हुआ था और यहाँ पे एक कुआं है, एक कुंड है जिसका जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। और गुरुदेव ने जब उस जल को लोगों को दिया कि उनसे उनका चेचक ठीक हो गया, उनकी बीमारियाँ दूर हो गई, तब से उस जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं देश के दूसरे हिस्से से भी, वो यहाँ का जल अपने साथ लेकर जाते हैं। तो आइए चले अंदर और दर्शन करूं और आपको दर्शन करवाता हूं मैं। यहां जूते जमा करने के बाद आपको इस तरह का साफा मिल जाएगा बांधने को, जो कि मैं दिखाता हूं। यहां पे आने के बाद कुछ इस तरह का साफा मिलेगा जिसे सिर में बांधना होता है, तब जाके आपको अंदर जाना है दर्शन के लिए। मेन स्थान यह है, यहाँ से अंदर एंट्री है जाने के लिए। और उधर एक कुंड है जो कि कुंड के परिक्रमा करनी होती है, तो चलिए मैं उधर भी ले चलूँगा आपको। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की सख्त मनाही है, लेकिन मैंने जो है परमिशन लेके आया हूँ मैं ऑफिस से। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे परमिशन दिया, अलाउ किया यहाँ पे ब्लॉगिंग करने के लिए। गुरुद्वारे में एक सेवादार हैं श्री परमवीर सिंह जी, उनसे भी जानकारी है, उनके मुख से डायरेक्ट सुनिए। हाँ जी सर। हाँ जी, गुरु हरकृष्ण साहब महाराज का गुरुद्वारा है जिथे गुरु हरकृष्ण साहब ने आके जो इस जगह पर सी, इस जगह के उत्ते बहुत बड़ी बीमारी फैली हुई सी, तो गुरु महाराज ने इत्थे आके अपने चरण पाए और अमृत जिहड़ा हैगा वा वो इत्थों मिलता वा,
गुरद्वारे साहब वालों मिलती है और जोड़ा भी अमृत पीता है वो ठीक हो जाता है। और सब तो वड्डी सेवा जी है लंगर की है और अपना सरोवर साहब है जी। और ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हमारा मैनेजमेंट जो है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली वही इनू सारा हैंडल करते हैं। कोई किसी कोई जात पात वाली कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, किसी भी धर्म के लोग यहां कोई सारे सभी धर्म के आदमी आ सकते हैं। सबके लिए लंगर है, चाय है, पानी है, रहना देना सोना सारी सारा बंदोबस्त है जहाँ पे जो है। उसके बाद यहाँ पे हर आदमी को लंगर मिलता है जी। और हर आदमी के लिए हर फैसिलिटी जो भी है गुरु नानक साहब ने चलाई है वो आज भी ऐसे ही चलती है। मतलब गुरु साहब गुरु नानक जी ने जैसे चलाई थी वैसे ही सारे सारी सिस्टम आज भी वैसे ही चल रहा है। अच्छा सर, मैंने बाहर में एक अस्पताल देखा तो उस अस्पताल में क्या ऐसे है? उस अस्पताल में जो है ना फ्री डॉक्टर आके सेवा करते हैं जी जी। और उसमें जितने भी आदमी गरीब आदमी आते हैं उसके लिए दवाई भी फ्री देते हैं और उनकी जो आते हैं उसमें से जो भी उनका टेस्ट होता है उसमें लेबोरेटरी एरर वगैरह सारी चीज़ें हैं जी जी। उनके लिए सारा चीज़ें बेनिफिट बिल्कुल फ्री है टोटल जी। कोई भी आ सकता उसमें सारे धर्म के लिए सत्कार जो जी। तो आपने सुना कि यहाँ पे कोई भी किसी भी धर्म की मनाही नहीं है कि आप इस एक पार्टिकुलर किसी खास धर्म से हैं तो आप नहीं आ सकते, बाकी इसी धर्म के लोग आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं मायने नहीं रखता, आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे लंगर चलता है जो कि लंगर में खाना मिलता है आपको, उसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। यहाँ पे एक अस्पताल है जो गरीबों के लिए है और गरीबों को यहाँ पे इलाज के अलावा दवाइयाँ भी मुफ्त में मिलती है। आप यहाँ पे आएंगे तो यह पवित्र सरोवर के दर्शन कर पाएंगे। अच्छा जी, वो जो जल हुआ करता था जो गुरुजी सबको दिया करते थे वो जल कहाँ? वो यहीं पे है सामने दरबार के सामने नीचे। अच्छा, दरबार के। हाँ, दरबार के सब एंट्री करते हैं ना जी जी, इस साइड में वो सारा अमृत वहीं से अमृत जल। तो आप जब कभी दरबार में आएंगे, दरबार में गुरुदेव के दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ पे वह पवित्र जल है जहाँ से पूरे देश के लोग जो भी दर्शन करने के लिए आते हैं वह पवित्र जल भी अपने साथ ले जाते हैं। और माना जाता है कि उस पवित्र जल से आपकी जो भी बीमारियां हैं, जो भी दुख तकलीफ कष्ट हैं, वो सारे दूर हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, परम सिंह जी को सुना आपने तो चलिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यह इतनी अच्छी जानकारी जो कि किसी को नहीं पता, यह आपको बाहर ना तो किसी साइट पे मिलेगी, ना ही किसी किताबों में मिलेगी, ना ही किसी न्यूज़ में मिलेगी, जो ये जानकारी इन्होंने शेयर की। चलिए आप भी आते समय इन बातों का ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। एक बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको भी मिली और मुझे भी मिली। और यह जो सौभाग्य मुझे मिला, यहाँ पे किसी को फोटोग्राफी की परमिशन नहीं है यहाँ पे, लेकिन मुझे यह सौभाग्य मिला आप लोगों की बदौलत। जी हाँ, अगर मैं यह ब्लॉगिंग नहीं कर रहा होता तो आज मुझे ना तो यह जानकारियाँ मिलती और ना ही यहाँ पे मुझे परमिशन मिलता वीडियोग्राफी की। यह पवित्र सरोवर है जो कि आप देख पा रहे हैं, बहुत सारी मछलियाँ भी हैं यहाँ पे जो कि आप देख पाएंगे इस सरोवर में। और यहाँ पे देखिए शेल्टर बने हुए हैं, जो भी बाहर से लोग आए हैं वहाँ पे आराम करते हुए आपको दिख जाएंगे। चारों तरफ पॉजिटिविटी है, कोई निगेटिव चीज़ यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। जिनसे भी मिलता हूँ सब बड़े ही प्यार से, बड़े ही अदब से बात करते हैं, कोई किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं करता यहाँ पे, और यही यहाँ की सबसे अच्छी खासियत है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि एक कहावत है कि जहाँ न पहुँचे सरकार वहाँ पहुँचे सरदार। हमारे देश में जो भी आपदाएं आती हैं, जो भी विपत्ति आती हैं, जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उसमें सबसे पहले खड़े होने वाला अगर कोई समाज है, कोई वर्ग है, तो यह है सिख वर्ग। जी हाँ, यह हमारे देश में हर साल कोई ना कोई आपदा जैसे कि बाढ़ या भूकंप
या और कोई आपदा आते रहती है, इसमें सबसे पहले अगर सेवा करने कोई पहुंचता है, मदद करने कोई पहुंचता है, तो यह सिख समाज पहुंचता है। तो ऐसे समाज को मेरे तरफ से एक सैल्यूट है और दिल से इस समाज को धन्यवाद है कि यह हमेशा सबकी सेवा के लिए प्रस्तुत रहते हैं। इस स्तंभ को निशान साहब कहते हैं और समय समय पे इस पे लपेटा गया जो कपड़ा होता है उसको बदलना होता है। यह निशान एक्चुअली में यह इंडिकेटर है, एक यह सूचक है कि आसपास कोई गुरुद्वारा है। मैं दिल्ली में जो भी गुरुद्वारे हैं उनको बनने की एक कहानी है कि जब मुगलों का शासन था उसी समय उसी पीरियड के आसपास यहाँ पे सिख समुदाय भी हुआ करता था, जिन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी और उन लड़ाइयों में उन्होंने जो विजय प्राप्त की और वो जो जगह उन्होंने कब्जे में लिया वहाँ पे जगह जगह उन्होंने गुरुद्वारे बनवाए। तो उनमें से जैसे दिल्ली में कई गुरुद्वारे आपको मिल जाएंगे, जिसमें से एक बंगला साहिब भी है आसपास, इसके आसपास में ही रकाबगंज गुरुद्वारा भी है और ऐसे कई गुरुद्वारे जो है दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि मुग़ल पीरियड के हैं या उसके आसपास के हैं, जो उस समय जब सिखों का शासन था यहाँ पे कुछ समय के लिए ही था लेकिन उसी पीरियड में ये सारे गुरुद्वारे बनाए गए। और यह जानकारी हमें एक भाई ने दी है, वो कैमरे पे नहीं आना चाहते हैं लेकिन मैं फिर भी उनको एक अपने दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे जानकारी दी। उनका नाम परमीत सिंह है, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पे स्टूडेंट है, पढ़ने आए हैं। तो उनको मैं दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि वो नहीं चाहते, लेकिन यह जानकारी उन्होंने शेयर की तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी शेयर करूँ। एक और जानकारी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने एक नया सिस्टम चालू किया, एक नया रूल रेगुलेशन चालू किया कि यह कलयुग है और इसमें किसी मनुष्य पे कौन मनुष्य गुरु बन के आएगा। और जो जैसे कि पीढ़ी चलती आ रही थी, पहले गुरु, दूसरे गुरु, तीसरे गुरु, 10वें गुरु, ऐसे तो 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने एक नया सिस्टम चालू किया कि अब जो है कोई ह्यूमन गुरु नहीं होगा, कोई इंसान गुरु नहीं होगा, बल्कि उन्होंने क्या किया कि एक किताब में जितने भी गुरु थे उन सबकी गुरु वाणी जो होती है, उनके जो विचार थे, उनकी जो अच्छी बातें थी, सब एक जगह एक किताब में नोट की गई और वह किताब की कॉपी सारे गुरुद्वारे में अब रखी गई है और उनको ही अब गुरु माना जाता है। और उन्हीं के उन किताब में जो भी रूल रेगुलेशन समझाए गए हैं, जो भी बताए गए हैं, उसी पे ये पूरा सिख समाज चलता है। तो आप जब कभी भी गुरुद्वारे में आएंगे तो जो भी वो किताब रखी रहती है वो किताब कोई आम किताब नहीं है, बल्कि वह एक गुरु हैं और उनको ही अब गुरु मान लिया गया है और उसमें सारे गुरुओं का सार निचोड़ तत्व जो है उसमें मौजूद है। तो आप जब कभी भी गुरुद्वारे दर्शन करने आएँ तो इन बातों को स्मरण रखें, ध्यान रखें इनका। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जहाँ पे लंगर चलता है आप आके खाना खा सकते हैं यहाँ पे। अब बात की आप इस गुरुद्वारे तक पहुँचोगे कैसे, तो यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली 2.5 किलोमीटर दूर है, एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट करीब 13 किलोमीटर दूर है और नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है शिवाजी स्टेडियम जो कि यहाँ से केवल 300 मीटर दूर है। जी हाँ, यह केवल 300 मीटर दूर है यहाँ से, वॉकिंग डिस्टेंस हार्डली आप 5-7 मिनट पैदल चलेंगे और आप पहुँच जाएंगे। तो ये रास्ते हैं, ये तरीके हैं, ये साधन हैं यहाँ तक आने के। अगर मेरी यह जानकारी आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपसे मिलता हूं जल्दी एक नए ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए देश दुनिया देख। धन्यवाद, बाय।